नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सुरवंशी स्टडी विथ स्मार्टनेस में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, जो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में रिपीटेड होते रहते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, उनको समझना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाएँ RBC शरीर के किस भाग में बनती हैं? आपके पास ऑप्शन है हृदय, अस्थि मज्जा, यकृत या वृक्क। तो इसका सही आंसर आपका अस्थि मज्जा। और दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, जो RBC हैं, RBC जो इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। और आपको पता होगा कि जो RBC के अलावा एक और होती हैं WBC, तो WBC का जो जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन का होता है, ठीक है? तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है, तीनों बातें जो भी हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है थायमिन, रेटिनॉल, स्कॉर्बिकम, राइबोफ्लेविन। दोस्तों, आपको इसका आंसर है राइबोफ्लेविन। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो विटामिन B1 है वो उसका नाम होता है थायमिन, और जो विटामिन ए है उसका नाम होता है रेटिनॉल, रासायनिक नाम ये है। जो विटामिन सी है उसका नाम है स्कॉर्बिकम। और विटामिन सी की कमी से आपको पता है कि स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड स्थित जादूगर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, इसके ऑप्शन आपके पास मैगनीज, थोरियम, यूरेनियम, सोना। और इसका सही आंसर आपके लिए यूरेनियम। क्या? और यूरेनियम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माय मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? माय मिशन, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, सदगुरु, बाबा रामदेव, कैलाश सत्यार्थी। तो इसका सही आंसर है आपका बाबा रामदेव, ठीक है? और जो आपका देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, जो कैलाश सत्यार्थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि इनको 2014 में ये भारतीय हैं और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके साथ? दो लोगों को मिला था, एक हैं कौन, मलाला यूसुफ जई, जो कि पाकिस्तान की हैं, मलाला यूसुफ जई, जो कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है? तो आपको याद रखना है, कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता है 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का भार उस समय शून्य होता है जब उसे रखा जाए, कहाँ पे? ऑप्शन आपके पास उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर। दोस्तों, इसका सही आंसर आपका पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर किसी वस्तु का भार शून्य हो जाता है, ठीक है? आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF की स्थापना कहाँ की गई है? दोस्तों, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन है पेरिस, वर्न, स्कॉटलैंड, लंदन। तो यह है पेरिस में, ठीक है? और आपको बता दूं, जो पेरिस है वो आपका सीन नदी किनारे है। कौन सा, याद रखने का, सीन, ठीक है? नदियों से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपको पता होगा, तो आप हमेशा इनको याद रखिएगा, पेरिस सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकाल किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमिकर, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो इसका आपका आंसर है कला एवं स्थापत्य। आपको बता दूं कि जो गुप्त काल है वो, उसकी स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने, ठीक है? याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ष 1929 के कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया? इसके लिए पहला ऑप्शन है लाहौर, कलकत्ता, कराची और दिल्ली। तो आपको बता दो, इसका आंसर है लाहौर, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी, एम विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू, रामेश चंद्रन दत्त, ठीक है? तो इसका सही ऑप्शन आपका दादा भाई नौरोजी। इनको क्या बोला जाता है? वृद्ध पुरुष बोला जाता है, ठीक है? वृद्ध पुरुष। और जवाहरलाल तो आपको जानते ही हैं, भारत के पहले PM हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? 31 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री सेल्सियस, 37, 39। तो इसका सही आंसर आपका 37, ठीक है। यदि फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिध्वनि सुनने का कारण है ध्वनि तरंग का परावर्तन, ध्वनि तरंग का अपवर्तन, ध्वनि का व्यक्तिकरण, अनुनाद। तो इसका आंसर है आपका ध्वनि तरंग का परावर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 1000 साल पुराने ऐतिहासिक मंदिर खोला है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है आपके पास नेपाल, कंबोडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में 1000 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर खोला, जो कि कहाँ पे है? सियालकोट, सियालकोट एक वहाँ पे एक जगह है सियालकोट पे, आपको याद रखना है। और आपको पता होना चाहिए कि जो फेमस मंदिर है अंगकोर वाट वो कहाँ पे है? वो कंबोडिया में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। अंगकोर वाट मंदिर आपने भी देखा होगा कई एग्ज़ाम्स में, अंगकोर वाट कंबोडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? फैराडे, पोइस, हर्ट्ज, अर्ग। तो इसका आंसर आपका हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है कौन सा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका उत्तल दर्पण सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका अगले ऑप्शन आपके पास वाराणसी, जयपुर, कोची, मुंबई। तो इसका सही आंसर आपका वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? पहला ए ऑप्शन है आपके पास आंत्री रस, बी ऑप्शन है जठर रस, सी है लार से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका लार से, ठीक है, लार से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को लेख रिट्स जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 228। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 226, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसू का पीएच मान क्या होता है? तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास 6.0, 8.5, 7.4, 6.3। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आपका जो है वो है 7.4। और दोस्तों आपको बता दूं जो 7.4 है वो रक्त का भी पीएच मान यही होता है, रक्त या ब्लड का। तो आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एजार कप किस खेल से संबंधित है? वाटर पोलो, हॉकी, पोलो, बैडमिंटन। दोस्तों आपको बता दूं इसका आंसर आपका पोलो। और आपको एक बात बता दूं कि जो पोलो है उसको इससे एक क्वेश्चन पूछा था इससे साइंस मतलब हिस्ट्री में कि जो पोलो खेलते हुए किस राजा की या किसकी मृत्यु हुई थी? तो उसकी हुई थी किसके? गुलाम वंश के संस्थापक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इनकी मृत्यु पोलो खेलते हुए थी। जो कि उसमें पोलो ना पूछकर वो पूछ लेता है चौगान, चौगान खेलते हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है? ए ऑप्शन है घर्षण बल, बी है अपकेंद्रीय बल, सी स्यान बल और डी है गुरुत्व बल। दोस्तों इसका सही आंसर आपका अपकेंद्रीय बल, ठीक है, याद रखिएगा आप अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? आपके पास ऑप्शन है एंगस्ट्रम, फर्मी, कैंडेला, क्यूरी। तो इसका सही आंसर है आपके लिए डी, क्यूरी, ठीक है, याद रखिएगा क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक पृथ्वी से रात्रि में देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है? सूर्य, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, साइरस डॉग स्टार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है साइरस डॉग स्टार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
ऑप्शन ए है सोडियम बाई सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम नाइट्राइट, ऑप्शन डी है सोडियम नाइट्रेट। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ जो खाना बनाने आता है तो कौन आता है, बाई, ठीक है, बाई आती है ना, तो उससे आप याद कर सकते हो क्या बनाती है, खाना, तो खाने से आप याद कर सकते हैं बाई, ये ना बाई कार्बोनेट, खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित है कहाँ पर स्थित है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं अजमेर, उदयपुर, मेवाड़, जोधपुर। तो दोस्तों इसका आंसर आपका अजमेर, ठीक है, अजमेर। और आपको बता दूं जो अजमेर में जो बना है अढ़ाई दिन का झोपड़ा वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, तो वहाँ पे जो इसके अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसके पहले वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था संस्कृत विश्वविद्यालय जिसको तोड़वा के बनाया गया था, क्या अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, ए द्रवों का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रभाव, सेकंड है केशिका क्रिया, सी है वर्णौली का सिद्धांत और डी है द्रवों की सयानता। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है आपका केशिका क्रिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब याद रखिएगा केशिका क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, राष्ट्रगान जनगण मन आपका अंतिम क्वेश्चन है ये याद रखिएगा, राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, ऑप्शन आपके पास 1911 कोलकाता में, 1931 कोलकाता में, 1950 कोलकाता में, 1905 कोलकाता में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आपका 1911 कोलकाता में, ठीक है। और इसको राष्ट्रगान की गाने की अवधि है जो होती है वो है 52 सेकंड, यदि उसको जल्दी मतलब गाया जाए तो वो होता है 20 सेकंड। आपके पास ये दोनों पूछ लेते हैं कभी कभी तो आप याद रखिए, और राष्ट्रगीत गाने की है वो है 65 सेकंड, ठीक है। और इनको राष्ट्रगान को जो लिखा किसने है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का टॉप 25 क्वेश्चन, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।